इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो HTTP है वो दो टाइप के मैसेजेस ट्रांसमिट करता है वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर के बीच में, एक रिक्वेस्ट एक रिस्पांस। तो मैसेज विच इज ट्रांसमिटेड बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज रिक्वेस्ट मैसेज एंड सेकेंड इज रिस्पॉन्स मैसेज। तो इस वीडियो में हम पहले रिक्वेस्ट मैसेज डिटेल में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्स मैसेज। रिक्वेस्ट मैसेज का फॉर्मेट क्या होता है, पहले रिक्वेस्ट लाइन होती है, फिर हेडर होती है, फिर एम्प्टी लाइन होती है, फिर इसकी बॉडी रहती है। जो मैसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है HTTP प्रोटोकॉल को, वो बॉडी पार्ट में आता है। व्हेनेवर यू एंटर अ URL इन द एड्रेस बॉक्स ऑफ द ब्राउजर ट्रांसलेट द URL इनटू अ रिक्वेस्ट मैसेज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल, दैट इज HTTP Hypertext Transfer Protocol and send request to the server। जैसे ही आप ब्राउजर के एड्रेस बॉक्स में URL एंटर करते हो, वैसे ही क्या करता है ब्राउजर, उस URL को ट्रांसलेट कर देता है एक रिक्वेस्ट मैसेज में, जिसका फॉर्मेट ये रहता है। और ये जो फॉर्मेट होता है ये किसके अकॉर्डिंग, ये जो रिक्वेस्ट मैसेज वो प्रिपेयर करता है वो किसके अकॉर्डिंग रहता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल। और फिर इस रिक्वेस्ट मैसेज को किसको सेंड कर देता है, सर्वर को। तो चूंकि हमने देखा तो मैसेज में, क्योंकि रिक्वेस्ट मैसेज में पहले होती है रिक्वेस्ट लाइन, तो रिक्वेस्ट लाइन में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कि किस टाइप की रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है, रिक्वेस्ट टाइप, URL क्या है और HTTP वर्जन कौन सा यूज कर रहा है ब्राउजर या क्लाइंट कंप्यूटर पे HTTP का कौन सा वर्जन यूज किया जा रहा है। रिक्वेस्ट टाइप या जिसे कह सकती हूँ मेथड जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट ए क्लाइंट वांट्स टू सेंड, क्लाइंट किस टाइप की रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को भेजना चाहता है, रिक्वेस्ट टाइप से पता चलता है। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन कौन से रिक्वेस्ट टाइप होती हैं आगे की स्लाइड में। तो रिक्वेस्ट लाइन इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द सर्वर, दिस कमांड स्टेज द सर्वर टू डू स्पेसिफिक टास्क। तो रिक्वेस्ट लाइन क्या होता है, रिक्वेस्ट लाइन क्यों भेजनी पड़ती है रिक्वेस्ट मैसेज में, क्योंकि ये सर्वर को बताती है कि हमें किस टाइप का डेटा जो है उससे चाहिए। तो जो भी स्पेसिफिक टास्क वो सर्वर को बताना चाहता है वेब ब्राउजर, वो किस में रखता है, HTTP रिक्वेस्ट मैसेज के रिक्वेस्ट लाइन में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐसा टाइप किया http://www.yahoo.com/doc/index.html, इसका रिक्वेस्ट मैसेज क्या हो जाएगा कि गेट मेथड, मतलब उसे एक फाइल सर्वर से चाहिए, कौन सी वाली फाइल चाहिए, जिसका पाथ क्या है, doc/index.html चाहिए। रिक्वेस्ट टाइप इसमें क्या हो गई, गेट। ठीक है, URL क्या हो गया, ये वाला पेज उसको चाहिए, और HTTP का वर्जन कौन सा यूज हो रहा है, HTTP 1.1। तो ये क्या हो गई, रिक्वेस्ट लाइन हो गई। तो रिक्वेस्ट मैसेज में पहले क्या थी, रिक्वेस्ट लाइन, फिर क्या आता है, हेडर। ये वाला पार्ट जो दोनों है ये क्या है, हेडर है, कि होस्ट कौन सा है, किस वेब सर्वर से उसे कनेक्ट करना है, www.yahoo.com से, और उसने ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की हुई है सर्वर को, वो जो फाइल सेंड करे उसका फॉर्मेट अगर GIF या JPEG है तो ही सेंड करे, क्योंकि ब्राउजर जो है वो सिर्फ इन दोनों फॉर्मेट को ही एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हमारे वेब ब्राउजर जो है वो पर्टिकुलर इमेज फॉर्मेट को ही सपोर्ट करता है तो वो सर्वर को ये भी बता देगा कि ये जो फाइल है इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी उसको सेंड कर। तो ये दोनों क्या है, हेडर लाइन है। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वेस्ट मैसेज। अब मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट लाइन में पहला क्या था, रिक्वेस्ट टाइप। रिक्वेस्ट टाइप क्या बताता है, किस टाइप की रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट सर्वर को सेंड करना चाहता है। ठीक है, तो ये जो मेथड है रिक्वेस्ट टाइप है, या कह सकते हो HTTP रिक्वेस्ट कमांड्स या मेथड जो हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, रिक्वेस्ट टाइप गेट। हम सर्वर से क्या करते हैं, इस गेट का मतलब क्या था, देखो, व्हेन क्लाइंट वांट्स टू रिट्रीव अ रिसोर्स और वेब पेज फ्रॉम द सर्वर। जब भी क्लाइंट को कोई वेब पेज या कोई इमेज या कोई भी डेटा सर्वर से चाहिए होता है तो वो रिक्वेस्ट लाइन में रिक्वेस्ट टाइप क्या रखता है, गेट, कि उसे ये फाइल जो भी उसने URL में टाइप किया उसको उसे सर्वर से एक्सेस करना है। फिर इसकी जगह हेड भी हो सकता है, इस हेड का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट टू रीड द हेडर ऑफ ए वेब पेज बट नॉट द कंटेंट।
तो इस हेड का मतलब क्या है कि वो सर्वर को ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि वो हेड वेब पेज के हेडर को रीड करना चाहता है, ना कि उसके कंटेंट को, क्योंकि जो रिस्पॉन्स सर्वर भेजेगा उसमें क्या होगा, हेडर भी होगा और उसके कंटेंट्स भी होंगे। तो अगर सिर्फ वेब ब्राउज़र उसके वेब पेज के हेडर वाले पार्ट को रीड करना चाहता है तो उसको ये रिक्वेस्ट टाइप सेंड करना पड़ेगा सर्वर को। नेक्स्ट रिक्वेस्ट टाइप इज़ पुट, रिक्वेस्ट द सर्वर टू स्टोर ए वेब पेज। तो अगर वेब ब्राउज़र को कोई वेब पेज जो है सर्वर पे जाके सेव करवाना है तो वो क्या यूज़ करेगा, रिक्वेस्ट टाइप पुट। पोस्ट सिमिलर टू पुट बट इट इज़ यूज फॉर अपडेटिंग ए वेब पेज। वेब ब्राउज़र में हमने पोस्ट लिखा है रिक्वेस्ट टाइप में, तो जो भी आपने पाथ फाइल वेब पेज दिया है पाथ में, वेब सर्वर को उस फाइल में जाके अपडेशन करना है, जो पहले से बनी हुई फाइल है उसमें जाके अपडेशन करना है अगर पोस्ट लिखते हैं। जबकि पुट से क्या होगा, एक नया वेब पेज जाके सर्वर पर स्टोर हो जाएगा, और पोस्ट क्या कर रहा है, पहले से सेव्ड वेब पेज, पहले से जो वेब पेज सर्वर पर सेव्ड है उसमें अपडेशन के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ पोस्ट कमांड। नेक्स्ट इज डिलीट, रिक्वेस्ट टू रिमूव ए वेब पेज फ्रॉम सर्वर। अगर ब्राउजर को किसी वेब पेज को डिलीट करवाना है जो कि वेब सर्वर पे स्टोर्ड है तो उसे डिलीट कमांड HTTP कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लिंक, इट इज़ यूज टू क्रिएट ए लिंक और लिंक्स फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। अगर क्लाइंट को कोई लिंक क्रिएट करना है या फिर मल्टीपल लिंक्स क्रिएट करने हैं एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए, तो वो लिंक कमांड का यूज़ कर सकता है। यू लिंक से क्या होगा, इट इज़ यूज टू रिमूव ए लिंक और लिंक्स क्रिएटेड बाय द लिंक कमांड। तो अगर क्लाइंट ने क्या किया है, मल्टीपल वेब पेजेस को लिंक करवाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ लिंक कमांड और उनको अनलिंक करवाना है, तो यू लिंक कमांड उसे भेजनी पड़ेगी सर्वर को, जिससे क्या होगा, जो भी लिंक उसने क्रिएट किए हुए थे डॉक्यूमेंट्स में वो अनलिंक हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे।